क्या किसान आंदोलन जो हुआ था उसको भी इसमें दर्शाया गया है? नहीं, क्योंकि फिल्म उससे पहले बनी है हमारी। किसान आंदोलन अभी पेंडेमिक के दौरान हुआ। हमारी फिल्म 2 साल पहले हमने शुरू की थी। रिलीज़ इसलिए अब हो रही है क्योंकि कोरोना की वजह से पुश होती रही, हमने कंप्लीट की। लेकिन इत्तेफाक यह है कि फिल्म बनाने के बाद वो आंदोलन हुआ और उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। हमारी फिल्म में शायद बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी हैं, लेकिन हमने उसके सॉल्यूशन की बात की। सर, दूसरा पार्ट बनाएंगे तो उसमें इसको दर्शाएंगे किसान आंदोलन को? पहले आप ये गारंटी लें कि पहला पार्ट हिट करा देंगे, सुपर हिट करा देंगे, तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट बनाएंगे। सर हाय, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। पहले बात तो आप लोगों का एक्सपीरियंस जो गाँव का रहा वो आपने हमें वैसे बताया, लेकिन एक बार फिर मैम के साथ आपको पूछ रहे हैं कि आप लोगों का दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा गाँव में काम करने का। बिकॉज सब जानते हैं कि मुंबई सिटी, दिल्ली सिटी बहुत अलग होती हैं गांव से, तो आप लोगों का वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी आपको, या लाइक गर्मी और ये सब कुछ तो भी हुआ होगा ऐसा? गर्मी सर्दी तो हर सेट पे और हर जगह की प्रॉब्लम होती है। दैट्स नथिंग अनयूजुअल अबाउट बीइंग इन द विलेज फॉर इट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खासकर बिकॉज हम दोनों का ही कोई ऐसा सच एक्सपीरियंस नहीं हुआ था गांव में। दोनों शहरी लाइफ हर दिन देखी थी, तो वहां के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ एक्टिंग करना, उनका रहन सहन देखना, और उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला पर्से, स्पेशली द वुमेन देयर। दे आर सो स्पिरिटेड एंड सो वाइवेशियस कि उनको देख कर ही लगता है कि जो हम लोग अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं बहुत छोटी हैं, और एक्चुअल जो मुशक्क़त करते हैं वो ये लोग करते हैं, और ज़िंदगी जीना भी जानते हैं एट द सेम पॉइंट इन टाइम। ये लगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी टू प्रोवाइड देम द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रोवाइडेबल बाय अस, बाय गिविंग देम दैट काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे रियली नीड, बिकॉज दैट्स द बैकबोन। एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर इकॉनमी, वी ऑल नो दैट। एंड ये भी चीज़ है कि यू नो हम लोग सब जानते हैं कि आज शहर में भी जो लोग रह रहे हों कहीं ना कहीं एक सिंपलर लाइफ की उम्मीद करते हैं, दे कीप ड्रीमिंग, बट ये पॉसिबिलिटी है। हम लोग भी जो ये शहर को भरते जा रहे हैं और यहाँ शहरी लाइफ जी रहे हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो फराज ने इस मूवी के थ्रू दिखाई है, देवेंदु और अनंत के कैरेक्टर के थ्रू, कि आप अपनी यहाँ की बिजी लाइफ को छोड़ के यू कैन फाइंड पर्पस इन अ मोर पीसफुल स्पेस लाइक यू नो जो हमारे गाँव हैं, एंड दैट एक्सचेंज कैन हैपन एंड यू कैन फाइंड बिगर पर्पस इज देयर एंड हेल्प पीपल वाइल मेकिंग अ करियर फॉर योर सेल्फ टू। जो गाँव की लड़की है काफ़ी हिम्मत वाली है, उसकी अपनी एक सोच है, पहचान है, और जब ये दोनों आते हैं जो शहर में इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और जानते हैं काफ़ी कुछ उससे ज़्यादा, शी द मैक्सिमम शी कैन डू इज़ गिव देम सपोर्ट एंड गिव देम द यू नो द बिकम द ब्रिज बिटवीन द पीपल इन द विलेज एंड देम, एंड ऑल्सो वो उनको हिम्मत भी देती है, साथ में जो गाँव की लड़कियाँ हैं और औरतें हैं उनको इकट्ठा करती है सपोर्ट बनने के लिए। तो एट वन पॉइंट द वुमेन इन द विलेज प्ले अ बिगर रोल इन कमिंग एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड व्हेन द मेन आर नॉट सो यू नो केपेबल। सर, मेरा सवाल आपसे नाम जो देश की धरती जो टाइटल है ये कैसे आया, इसके पीछे क्या था, किसने दिया, मतलब कुछ कुछ इसके पीछे कोई कहानी मुझे समझ नहीं आ रही हमारे पास। नहीं, आपके पास आया, अंडरस्टैंड। मेरे देश की धरती का टाइटल एक्चुअली हमारे चेयरमैन को और हमारे कैप्टन ऑफ द शिप को वही चाहिए था, तो इट इज समथिंग दे हैव इंसिस्टेड। क्योंकि फिल्म हमारे जमीन के बारे में है, हमारे देश की मिट्टी के बारे में, तो इससे अच्छा टाइटल कोई हो ही नहीं सकता था। ऑल्दो ये टाइटल हमें लेने में या इसको रजिस्टर कराने में बहुत मेहनत लगी है, लेकिन क्योंकि ये टाइटल ही सूट करता था तो इसीलिए इसको लिया गया, नाम रखा गया, और गाना भी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो भी हमने इस फिल्म ऑडियंस के लिए। सर, कुछ खास संदेश देना चाहिए ऑडियंस के लिए? सर, कल ईद है, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? अरे, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सभी को, और ईद और मुबारक हो जाएगी जब आप जाके 6 मई को हमारी फिल्म देखेंगे, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। प्लीज़ जाइए फैमिलीज के साथ, इट्स एक्चुअली देखा जाए तो एकदम परफेक्ट फिल्म है ना, एक एक ऐसे फेस्टिवल पे आने की, एकदम जिसे बोलते हैं अच्छी एंटरटेनिंग साफ सुथरी फिल्म जो है, तो मज़ा आएगा आपको। नहीं नहीं, सलमान भाई ने भी अपनी फिल्में हटा ली हैं, देश की धरती आ रही है, उनकी फिल्म आती है, बट इस बार मेरे देश की धरती आ रही है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप बहुत देखने से हमें लगे हैं काफ़ी ज़्यादा फनी नेचर और मस्ती मजाक अच्छे से करते हैं आप, तो उस समय पर आपने सेट पे कोई मस्ती मजाक करी किसी के भी साथ? ये आपको इनसे पूछना है चाहिए। मैं आप बताइए ना सर, आपने किसी के साथ? देखिए, अच्छी बात यही होती है कि काम का काम भी हो जाए लेकिन आपको उसको ज़्यादा भारी भी ना लगे, तो सबसे अच्छी बात ही हम सभी एक्टर्स में, डायरेक्टर में, टेक्नीशियन, पूरे क्रू में एक इतना अच्छा सिंक था
कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते थे, बातें भी करते थे और काम का काम हो जाता था। अरे बहुत बहुत ईद मुबारक आप सभी को, और ईद और मुबारक हो जाएगी जब आप जाके 6 मई को हमारी फिल्म देखेंगे, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। प्लीज़ जाइए फैमिलीज के साथ। इट्स एक्चुअली देखा जाए तो एकदम परफेक्ट फिल्म है ना, एक एक ऐसे फेस्टिवल पे आने की, एकदम जैसे बोलते हैं अच्छी एंटरटेनिंग साफ सुथरी फिल्म जो है, तो मजा आएगा आपको। नहीं नहीं, सलमान भाई ने भी अपनी फिल्में हटा ली हैं, देश की धरती आ रही है, उनकी फिल्म आती है, बट इस बार मेरे देश की धरती आ रही है। दीपेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप बहुत देखने से हमें लगे हैं काफी ज्यादा फनी नेचर और मस्ती मजाक अच्छे से करते हैं आप, तो उस समय पर आपने सेट पे कोई मस्ती मजाक करी किसी के भी साथ? ये आपको इनसे पूछना चाहिए। मैं आप बताइए ना सर, आपने किसी के साथ? देखिए अच्छी बात यही होती है कि काम का काम भी हो जाए लेकिन आप उसको ज्यादा भारी भी ना लगे, तो सबसे अच्छी बात ही हम सभी एक्टर्स में, डायरेक्टर में, टेक्नीशियन, पूरे क्रू में एक इतना अच्छा सिंक था कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते थे, बातें भी करते थे और काम का काम हो जाता था। तो ऐसा कोई, और आप ज्यादा गांव वालों नहीं, और गांव वालों के साथ करता था एक्चुअली, रोज प्लानिंग करते थे कि रात को किसके साथ खाना खाना है, और ये सब हमारी प्लानिंग। वो लेडीज मिठाई बना के लाती थी मेरे साथ, मैं एक पिक्चर दिखाऊं आप सबको मेरी, ओए जितेन मेरा फोन देना, आप लोग बाकी बात करिए, मैं तब तक पिक्चर ढूंढ के दिखाता हूँ। सर आप ये बताना चाहूंगी, सर आपने जैसे कहा कि ये सोशल मैसेज पर एक पिक्चर है, और बाकी तमाम एक्टर्स भी, अक्षय कुमार की बात करें, आयुष्मान खुराना की बात करें, सोशल मैसेज पर तमाम मूवीज वो लाते रहते हैं, तो क्या आपका आगे भी ऐसा कुछ है प्लान कि आगे भी सोशल मैसेजेस? देखिए मेरा कहना बस यही है कि फिल्म इंडस्ट्री यानी हम फिल्म मेकर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जो एंटरटेन करने की भी है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है तो कुछ ना कुछ बात रखने की भी है ऑडियंस के सामने। जब आपको मिला है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो ये करना ज़रूर चाहिए। सोशल इशू डेफिनेटली, मैंने पहली फिल्म भी वॉर छोड़ना यार बनाई थी, जो वॉर के अगेंस्ट थी, लाइक एंटी वॉर फिल्म थी, लेकिन बहुत ही हंसी मजाक, इट्स ए वॉर कॉमेडी। तो मेरा तरीका है, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से ही बात को कहूँ कि गहरी से गहरी बात जो है वो बहुत आसानी से बोल दी जाए तो शायद आसानी से समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि उसको जितना गहरा बनाकर बोलेंगे वो नहीं समझ में आती है, तो गहरे मुद्दे को आसानी से अगर आप बताने की कोशिश करेंगे तो शायद आसानी से समझ आएगी, वही कोशिश है इस फिल्म में।